धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। धर्म टीवी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं राशि के अनुसार 2019 धन की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। यहां हम आपको लाल किताब के वो उपाय बताएंगे जिसे राशि के अनुसार करने से नए साल में आपके यहां चारों ओर से धन बरसने लगेगा। इसके लिए बस आपको कुछ वैदिक नियमों का पालन करना है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार लाल किताब के चमत्कारिक उपायों के बारे में। मेष राशि, किसी से कोई वस्तु मुफ्त ना लें। लाल रंग का रूमाल हमेशा प्रयोग करें। साधु संतों, मां व गुरु की सेवा करें। सदाचार का सदा पालन करें। वैदिक नियमों का पालन करें। विधवा की सहायता करें और आशीर्वाद लें। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। वृषभ राशि, किसी से भी कोई वस्तु मुफ्त में ना लें। लाल रंग का रूमाल हमेशा प्रयोग करें। साधु संतों, मां व गुरु की सेवा करें। सदाचार का सदा पालन करें। वैदिक नियमों का पालन करें। विधवा की सहायता करें और आशीर्वाद लें। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। मिथुन राशि, तामसिक भोजन का परित्याग करें और मछलियों को कैद मुक्त करें। दमे की दवा अस्पताल में मुफ्त दे दें। माता का पूजन करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। बेल्ट का प्रयोग ना करें। फिटकरी से दांत साफ करें। सूर्य संबंधी उपचार करें। कर्क राशि, माता से चांदी चावल लेकर अपने पास रखें और दुर्गा पाठ करें। कन्यादान में सामान दें। धार्मिक कार्यों को हमेशा करते रहें। तीर्थ स्थान की यात्रा करने से किसी को ना रोकें। यदि आप डॉक्टर हैं तो कोशिश करें कि आप कुछ रोगियों को मुफ्त में दवा दें। धर्म स्थान में नंगे पैर जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर पानी पिलाएं। माता की सलाह का पालन करें। सिंह राशि, अखरोट और नारियल धर्म स्थान में दें। अंधे को भोजन कराएं। सदा सत्य बोलें। किसी का अहित ना करें। साले, दामाद व भांजे की सेवा करें। मीठा खाकर ही कोई शुभ कार्य करें। वैदिक एवं सदाचार के नियमों का पालन करें। कन्या राशि, अपशब्द ना बोलें और ना ही क्रोध करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लें। शनि से संबंधित उपचार करें। काली नेकर धारण करें। चांदी का छल्ला धारण करें। भूरे रंग का कुत्ता ना पालें। तुला राशि, गौमूत्र का पान करें। पत्नी हमेशा टीका लगाए रखें एवं परम पिता पर पूर्ण आस्था रखें। गौग्रास रोज दें। माता पिता की आज्ञा से विवाह करें। परिवार की कोई भी स्त्री नंगे पैर ना चले। तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में दें। वृश्चिक राशि, तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं। पीपल और कीकर के वृक्ष ना काटें। किसी से मुफ्त का माल ना लें। बड़े भाई की अवहेलना ना करें। प्रातःकाल शहद का सेवन कर हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। बड़ों की सेवा करें। धनु राशि, भिखारियों को निराश ना लौटने दें। तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों की मदद करें। कार्य शुरू करने से पहले नाक साफ करें। गुरु, साधु और पीपल की पूजा करें। पीले फूल वाले पौधे लगाएं। मकर राशि, बंदरों की सेवा करें। असत्य भाषण ना करें। घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें। पूर्व दिशा वाले मकान में निवास करें। अखरोट धर्म स्थान में चढ़ाएं और थोड़ा बहुत घर में लाकर रखें। पराई स्त्री पर नजर ना डालें। भैंस, कौवे और मजदूरों को भोजन कराएं। कुंभ राशि, अपना मकान ना बनवाएं और दक्षिण दिशा वाले मकान का परित्याग करें। चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। शनिवार का व्रत रखें। भैरव मंदिर में तेल और शराब का दान करें और खुद ना पिएं। सोना धारण करें। मीन राशि, किसी से मदद स्वीकार न करें।
अपने भाग्य पर विश्वास करें, किसी के सामने स्नान न करें, धर्म स्थान में जाकर पूजन करें, कुल पुरोहित के आशीर्वाद प्राप्त कर सिर पर शिखा रखें, संतों की सेवा के साथ धर्म स्थान की सफाई करें, स्त्री की सलाह से व्यापार करें। तो ये था आपकी राशि के अनुसार 2019 में धन धान्य से परिपूर्ण रहने के उपाय। धर्म टीवी में बस इतना ही। अगले वीडियोस के लिए धर्म टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।